वेलकम टू द न्यू लेक्चर सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें भी हम कुछ जावा के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि कैरेक्टर सेट आपके पास क्या होता है, ठीक है, और फिर नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि क्लास का नाम आपने किया रखना है, फंक्शन का नाम आपने किया रखना है, वेरिएबल का नाम आपने किया रखना है, ठीक है, एरेज का नाम आपने किया रखना है। जावा की जो वेरिएबल्स है उसको डिस्कस करेंगे, कुछ डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे, प्राइमरी डेटा टाइप्स वर्सेस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या डिफरेंस है, जावा कीवर्ड्स होते हैं और कमेंट्स इन जावा, ठीक है। ये मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ें हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ जावा के अंदर इसको देख लेते हैं, ठीक है, एक गो थ्रू करते हैं कि थोड़ा बहुत आप लोगों की रिवाइज हो जाए। नॉर्मली आपके पास क्या होता है, आपके पास करेक्टर सेट होता है, और फिर आपके पास फिर इस करेक्टर सेट को कंबाइन करके आपके पास वेरिएबल्स बन जाते हैं या कॉन्स्टेंट बन जाते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं, प्रोग्राम्स बन जाते हैं इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके, और फिर आपके पास लास्ट में एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। करेक्टर सेट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स में आपके पास अपर केस में ए टू जेड और लोअर केस में ए टू जेड, डिजिट्स होते हैं, ठीक है, डिजिट्स में आपके पास 0 to 9 और स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग ये होता है, स्ट्रिंग आपके पास सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स आपके पास क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं। नेमिंग कन्वेंशन की तरफ हम जाते हैं कि आपके पास जावा के अंदर क्लास को आप कौन कौन से नाम दे सकते हैं, आप मेथड्स को कौन कौन से नाम दे सकते हैं, ठीक है, और आप वेरिएबल्स को, फंक्शंस को मतलब कैसे नाम दे सकते हैं, वेरिएबल्स को आप कैसे नाम दे सकते हैं, ठीक है, और एरेज को आप नाम कैसे दे सकते हैं। देखो यहाँ पे फंक्शन है, वेरिएबल है और एरेज है, इन तीनों का जो मेथड है, इन तीनों को जब आप नाम देंगे तीनों का मेथड सेम है, और क्लास का फिर थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक सीख लिया तो सारे आप लोग सीख गए, ठीक है, थोड़ा आप तवज्जो से सुन ले। अगर आप क्लास डिक्लेयर करना चाहते हैं या क्लास बनाना चाहते हैं जावा के अंदर, तो इफ अ क्लास नेम इज कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड्स देन इट्स फर्स्ट अल्फाबेट मस्ट बी कैपिटल। अगर आपके पास ये क्लास है और क्लास का नाम जो है वो आपके पास सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल होता है, अगर आपके पास जावा के अंदर क्लास है तो क्लास का नाम आपके पास सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल है, तो उसका फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट अल्फाबेट का जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, अल्फाबेट का जो फर्स्ट लेटर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। तो आपके पास क्लास का जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। इफ आप अगर आपके पास क्लास का जो नाम है वो एक सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल है, देखो टेस्ट टेस्ट जो है टेस्ट सिंगल वर्ड है, टेस्ट सिंगल वर्ड है, तो यहाँ पे आप देखिए टेस्ट का जो टी है वो कैपिटल है। प्रैक्टिकल की तरफ आ जाए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास क्लास का नाम जो है वो सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल है, सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल है, तो उस वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो आपके पास कैपिटल होना चाहिए, उस वर्ड का आपके पास फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अभी सेकेंड रूल की तरफ हम जाते हैं, सेकेंड रूल ये है कि अगर आपके पास क्लास है और क्लास का जो नाम है वो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, वो टू वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो फिर आपने क्या करना चाहिए, फिर आपने ये करना चाहिए कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, फिर सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और फिर आपके पास थर्ड जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये क्लास का जो ये इस क्लास का जो नाम है वो तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो फर्स्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड का सेकंड लेटर कैपिटल, और थर्ड का थर्ड लेटर कैपिटल। समझ आ गई कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. मुश्किल तो नहीं है ना? अभी हम जाते हैं मेथड की तरफ, फंक्शंस की तरफ। अगर आप एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं जावा के अंदर, तो फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, अगर आप लोग जावा के अंदर फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कहते हैं void, लेट सपोज इस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, मेथ, ठीक है, मेथ, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये आपके पास एक क्या है, फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन को आपने डिफाइन कर दिया।
मेन फंक्शन से बाहर हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। फंक्शन में जब हम जाएंगे तो मैं डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर आप एक मेथड लिखें, बल्कि इसको ही हम कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको यहां पे मैंने मैं कहता हूं कि 2 + 4, ये सिर्फ इस फंक्शन का काम है, ठीक है। तो आपके पास एक मेथड है, इस मेथड को आपने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया। अभी क्वेश्चन ये है कि मेथड के लिए रूल्स क्या है, हाउ टू डिफाइन मेथड, इसके लिए जो नेमिंग कन्वेंशन है वो क्या है। नेमिंग कन्वेंशन ये है कि अगर आपके पास फंक्शन का नाम, अगर आपके पास फंक्शन का नाम सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल है, एक ही वर्ड है, तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो भी स्मॉल होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए, और इसके बाद जो लेटर्स है वो भी लोअर केस में होने चाहिए। लेट सपोज आपके पास फंक्शन का जो नाम है वो आपके पास मोर देन टू वर्ड्स पर मुश्तमिल है, एक से ज्यादा वर्ड पर मुश्तमिल है, तो इसके लिए जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि तीन, लेट सपोज हमारे पास फंक्शन का जो नाम है वो तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो इसके लिए जो रूल्स है वो ये है कि आपके पास फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, फिर इसके बाद जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, फिर जो थर्ड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और इसको कहते हैं कैमल केस, इसको कहते हैं कैमल केस, ठीक है। कौन सा केस है ये? कैमल केस। इसकी समझ आ गई कि हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन? यस सर। देखो मैं अगर इस फंक्शन को अभी डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया और फिर इसको मैंने यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेरे पास था माय, फंक्शन का नाम था माय एडिशन, लेट सपोज एडिशन फंक्शन, तो ये माय एडिशन फंक्शन, ए कैपिटल, फिर आपके पास एफ जो है वो कैपिटल। ये रूल्स आप लोगों को याद हो गए, ये दो, कि क्लास का नाम क्या होना चाहिए और वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, आप लोगों को याद हो गए? यस सर, याद हो। अच्छा, तो बस आप लोगों को ये भी याद हो गए, ठीक है, आप लोगों को ये वेरिएबल के नाम भी याद हो गए। वेरिएबल का नाम भी आप लोग इस तरह रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम भी आप लोग इस तरह रख सकते हैं। तो ये रूल्स वेरिएबल्स के लिए भी है और ये रूल्स आपके पास एरेज के लिए भी है, ये रूल्स वेरिएबल के लिए भी है और ये रूल्स आपके पास एरेज के लिए भी है, ठीक है, सेम रूल्स है। अभी हम जाते हैं कॉन्स्टेंट की तरफ, ठीक है, कि आप कांस्टेंट को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं या कांस्टेंट का नाम क्या होना चाहिए। कांस्टेंट, सबसे पहले तो आप ये मुझे बताएं कि व्हाट आर कांस्टेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जी सर, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जी, और वेरिएबल की वैल्यू सकती है? वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। वेरी गुड, ठीक है। तो पाई आपके पास एक वेरिएबल, पाई आपके पास एक कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर, है। और सी प्लस प्लस के अंदर अगर आप इस कांस्टेंट को बनाना चाहते हैं, डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग इस तरह करते हैं, पाई और पाई के, पाई को आप वैल्यू देते हैं, यहाँ पे क्योंकि पाई आपके पास फ्लोट है तो आप इस तरह करते हैं और उसको वैल्यू देते हैं 3.14। अभी मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि पाई जो है, पाई कांस्टेंट का नाम क्या होना चाहिए। कांस्टेंट को जब आप डिक्लेयर करते हैं तो कांस्टेंट का, कांस्टेंट के लिए जो नेमिंग कन्वेंशन है वो ये है कि कांस्टेंट के जितनी भी, कांस्टेंट जितनी भी वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, चाहे एक वर्ड है या दो वर्ड है, तो उसमें सारे के सारे जो लेटर्स है वो कैपिटल होने चाहिए, उसमें सारे के सारे लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर आप कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, आप लोगों ने फ्लोट, सॉरी सॉरी, फाइनल कीवर्ड को यूज करना होगा। फाइनल कीवर्ड मीन ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कॉन्स्टेंट है, पाई की वैल्यू आपके पास कॉन्स्टेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हमें कैसे अंदाजा लगा कि ये कॉन्स्टेंट है, हमें इस फाइनल वर्ड से अंदाजा लगा, ठीक है। और हम इसको क्यों कैपिटल डिक्लेयर करते हैं, कैपिटल क्यों बनाते हैं इसको, इसलिए बनाते हैं ताकि हम वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान डिफरेंशिएट कर सके। अगर आपने इस सिंपल इस तरह कर दिया फिर भी ठीक है,
फिर भी ठीक है, कंपाइलर इसको इंटरप्रेट करेगा, कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है, तो बेहतर है कि आप इसको कैपिटल कर दें। समझ आ गई इसकी? यस सर, ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल आपके पास एक मेमोरी लोकेशन, नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, जिसके अंदर आपका डेटा या आपके आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और वेरिएबल आप लोगों ने खुद बताया कि वेरिएबल की वैल्यूज चेंज हो सकती है, और कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम इसको कंबाइन पहले कंपाइल करेंगे और फिर देख लेंगे कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है कि नहीं, ठीक है। तो ये था आपके पास, पहले ये था, इसको मैंने कंपाइल कर दिया, एरर आ गया। क्यों आ गया एरर, क्या कह रहा है? मसला क्या है? सर एरर, एक मिनट दोबारा दिखाएं। थोड़ा वेट करें, मैं देख लेता हूँ फाइनल, सॉरी। अच्छा ये है फाइनल फ्लोट और 3.14, ये तो ठीक है। चले मैं फिर वो करता हूँ, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। जावा स्टूडेंट, मैंने कुछ चेंजेस तो नहीं किए इसमें। अच्छा एक गलती है, चलो इस ये फिर हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप C++ के अंदर फ्लोट बनाना, मतलब आप इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं फ्लोट, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि फ्लोट फ्लोट ए, और आप कहते हैं 1, 2, 23.4, ठीक है। और यहाँ पे आप इस तरह करते हैं, यहाँ पे आपने इफ लगाना जरूरी है, अगर आप इफ नहीं लगाते तो कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता कि आपके पास फ्लोट है कि नहीं है, ठीक है। तो कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता कि ये फ्लोट है कि नहीं है, ठीक है। तो इस यहाँ पे आप लोगों ने एफ लगाना होगा, ठीक है। समझ आ गई इसको? अभी एरर खत्म, ठीक है। अभी अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि पाई, और इसकी वैल्यू को मैं कुछ और देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू मैं इसको सपोज देना चाहता हूँ, तो आपके पास अभी एरर आएगा, ठीक है। आपके पास अभी एरर आएगा, ये देखें, ये कहता है कि चलो थोड़ा सा इसको मैं कम करता हूँ, मैं इसको कम करता हूँ, क्योंकि ये कहता है कि इसका रेंज हाई है और इसको आपने डबल के अंदर स्टोर करना है। फिर कंपाइल, ठीक है। क्या कहता है कि लॉजिक इनकॉम्पेटेबल टाइप्स, ठीक है, इनकॉम्पेटेबल टाइप्स है, इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। समझ आ गई इसकी? जी सर आ गई। यस सर आ गई। इसके बाद ये वेरिएबल है, ठीक है, और वेरिएबल की वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह आप C++ के अंदर वेरिएबल बनाते हैं, तो इस तरह आप जावा के अंदर भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, इस एरे को भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। और अभी आप लोग किस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस तरह आप लोग जावा के अंदर सॉरी C++ के अंदर, अच्छा ये क्या होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक होता है वेरिएबल डेफिनेशन। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन या इनिशियलाइजेशन? इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको कहते हैं, मैं कमेंट्स में लिखता हूँ, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और अगर आप इस तरह कर दें, इसको ए को आप वैल्यू असाइन कर दें, इस ए को अगर आपने वैल्यू असाइन कर दी, तो फिर इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अगर आप इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं आप? अच्छा वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, किस तरह, इंटीजर, ठीक है, बी, और बी को आप वैल्यू असाइन कर दें, तो आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो गया और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी हो गया। चले मुझे आप साकिब ये बताएं कि मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ? सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, जी जी, और यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ सर? ए लिख लेंगे, लेकिन उसमें नहीं लिखेंगे सर, वैल्यू, लेट सपोज मैं कहता हूँ वैल्यू यस ऑफ ए इज, ठीक है, और प्लस
प्लस जो है वो कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है। तो आप ए कर दें, ठीक है, आप ए कर दें, अभी आप इसको रन कर ले, ठीक है, यहाँ से आप दोबारा इसको रन कर लें। मैंने रन कर दिया और मैंने इसको कंपाइल कर दिया, ये देखो वैल्यू ऑफ ए इज 56 आ गई कि नहीं? यस सर। मुश्किल तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा सर आज अभी बस कर लें। बस ये खत्म खत्म होने वाला है, इतना ज्यादा काम नहीं है, ठीक है, ठीक है सर। सिंपल चीजें है, बस आज खत्म इसलिए करते हैं कि कुछ चीजें हम स्किप करेंगे, ठीक है। सही है तो सर। वेरिएबल पढ़ते हैं कि वेरिएबल कौन कौन से और किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आपके पास थ्री टाइप्स की वेरिएबल हो सकते हैं जावा के अंदर। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? थ्री टाइप्स के अंदर, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टेटिक वेरिएबल। ये देखो लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टेटिक वेरिएबल, ठीक है, सिर्फ समझना चाहते हैं, ठीक है जी। मुझे आप बता सकते हैं कि व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स? सर जो फंक्शन के अंदर हमने जी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोकल वेरिएबल्स होते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द इनसाइड बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। यू कैन यूज दिस वेरिएबल ओनली विद इन दैट मेथड एंड अदर मेथड्स इन दिस क्लास आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दीज वेरिएबल्स। अ लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड स्टेटिक, ठीक है। इस स्लाइड को मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। कहता है कि आपके पास एक मेथड है, ये लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने एक फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन के अंदर मैं वेरिएबल बनाना चाहता हूँ सी के नाम से, और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया ये, ठीक है। फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, डिक्लेयर कर दिया और डिफाइन कर दिया, और इस वेरिएबल को मैंने ये वैल्यू असाइन कर दी, ये वैल्यू असाइन कर दी। तो ये वेरिएबल जो है ये इस मेथड के बॉडी के अंदर है, ये वेरिएबल इस मेथड के बॉडी के अंदर है, तो इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो इस बॉडी से बाहर नहीं है। दिस वेरिएबल इज लोकल टू ओनली दिस फंक्शन मेथ MET फंक्शन, तो ये आपके पास लोकल वेरिएबल है। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि इस वेरिएबल को आप इस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते, इवन इस फंक्शन को, ये एडिशन फंक्शन को पता ही नहीं है, ये इसके बारे में अवेयर ही नहीं है कि ये वेरिएबल यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मौजूद है कि नहीं है, और इस वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल को आप स्टेटिक नहीं बना सकते, आप इसके साथ स्टेटिक नहीं लिख सकते। लोकल वेरिएबल को आप लोग समझ गए? यस सर। इसके बाद है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि क्लास के अंदर होते हैं बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, इस कॉल इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को, चलो मैं आता हूँ इसकी तरफ, इंस्टेंस वेरिएबल ये तो आपने मेथड के अंदर वेरिएबल बना दिए, इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं कि जो के क्लास के अंदर होते हैं लेकिन मेन फंक्शन और जो दूसरे फंक्शंस है या जो मेन मेथड है या दूसरे मेथड्स है उसके बाहर होता है। अगर आप लोग इस क्लास के अंदर आ गए और इस क्लास के अंदर अगर आप लोगों ने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ए और एक दूसरा वेरिएबल बनाया इंटीजर बी, ठीक है, और एक तीसरा वेरिएबल बनाया फ्लोट, ठीक है, सी, तो ये आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल्स है, ये आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल है। अच्छा, इसको इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं? इसको इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है इन वेरिएबल्स को, इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी तब एलोकेट होती है या मेमोरी, ये इंस्टेंस वेरिएबल तब मेमोरी गेट करते हैं या इसको तब मेमोरी एलोकेट होती है जब आपके पास क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, या आप कह सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल डज नॉट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम, इट्स गेट मेमोरी एट रन टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लास के अंदर आपके पास वेरिएबल्स है और उसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, उस उन वेरिएबल्स को कब मेमोरी असाइन की जाती है, तो आप लोगों ने आंसर करना होगा कि इन वेरिएबल्स को तब मेमोरी असाइन की जाती है जब उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त इस इन वेरिएबल्स को मेमोरी क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है। समझ आ गई इसकी? यस सर। अच्छा ये देखो, ये आपके पास कौन सी वेरिएबल्स थे, ये मैंने जो यहाँ पे
आप लोगों को बता दिए, ये आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल्स है। ये वेरिएबल्स उस वक्त तक इसको मेमोरी नहीं मिलती जब तक इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाए ना बनाए। इस क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, किस तरह बनाएंगे, कंट्रोल सी, मैं इसका मैंने कॉपी कर लिया, मेन फंक्शन के अंदर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आप ये करें कंट्रोल वी एस टी बी, ठीक है, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अभी इन वेरिएबल्स को मेमोरी के अंदर जगह मिल गई। इसको मैं अभी कंपाइल करूंगा और फिर रन करूंगा तो तब इनको मेमोरी में जगह मिलती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है स्टैटिक वेरिएबल। अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इज स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। इट कैन बी लोकल, ठीक है, इट कैन नॉट बी लोकल। आप इस स्टैटिक वेरिएबल को आप लोकल वेरिएबल को आप स्टैटिक नहीं बना सकते। लोकल वेरिएबल को आप स्टैटिक, यू कैन क्रिएट अ सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इन शेयर कॉमन शेयर अमंग ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल्स हैपेंस ओनली वंस व्हेन द क्लास इज लोड इन मेमोरी। मैंने आपको बताया कि जब भी स्टैटिक कीवर्ड की बात आती है तो आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट आपके जहन में आना चाहिए, ठीक है, यानी इट सेव्स मेमोरी, इट सेव्स मेमोरी। ये आप देखें, ये इसका एग्जाम्पल है। स्टेटिक और नॉर्मल वेरिएबल में क्या फर्क है जी? स्टेटिक और नॉर्मल वेरिएबल में क्या फर्क है? एक तो यह है कि मेमोरी, और यहाँ पे आप इस तरह कर दें, ये इंस्टेंस वेरिएबल था, इसके साथ आप यहाँ पे स्टेटिक कीवर्ड लगाए तो आपके पास ये स्टेटिक वेरिएबल बन गया। समझ आ गई? यस यस। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के पास डेटा टाइप्स है, ठीक है जी। व्हाट इज डेटा टाइप? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डेटा टाइप, तो आप क्या आंसर दोगे? आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए सर? कि अगर ये डेटा टाइप जो हमारे पास इंट होती है, वॉइड हो गया, भी रिटर्निंग, अगर वो इंट है तो उसको वो कोई ना कोई चीज रिटर्निंग करेगा, अगर फंक्शन भी डेटा टाइप है। देखो ना, मैं कहता हूँ कि आपके पास एक डेटा टाइप है, ये आपके पास एक डेटा टाइप है, ठीक है, ये आपके पास एक डेटा टाइप है इंटीजर, और इसको मैंने वैल्यू दी है। तो इंटीजर आपको शो करता है कि इसके अंदर आपके ये इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा। ये किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा? इंटीजर टाइप का। दूसरा आपको ये बताएगा, जी जी, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा। डेटा टाइप आपको ये बताता है कि इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करता है। दूसरा वो आपको ये बताता है कि इसका साइज कितना है, इंटीजर का साइज कितना है, 4 byte है या 8 byte है? 4 byte सर। 4 byte है। और थर्ड नंबर आपको वो बताएगा कि इसका रेंज कितना है, इंटीजर टाइप के डेटा में कितने कितने रेंज की वैल्यू स्टोर हो सकती है, उसका लिमिट कितना है। तो डेटा टाइप आपको 3 चीजों के बारे में बताता है। फर्स्ट नंबर के टाइप ऑफ डेटा इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। सेकंड आपको वो ये बताएगा कि उस टाइप ऑफ डेटा, सेकंड आपको बताएगा कि कितनी मेमोरी रिजर्व होती है और वो मेमोरी का अमाउंट आपको बताएगा। थर्ड आपको वो ये बताएगा कि इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है। 2 types का डेटा होता है आपके पास, एक होता है प्राइमेटिव डेटा टाइप्स और एक होता है नॉन प्राइमेटिव डेटा टाइप्स। प्राइमेटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास 7 types है, करेक्टर है, बाइट है, शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है। नॉन प्राइमेटिव प्राइमेटिव इंटीजर ये और नॉन प्राइमेटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि यूजर खुद डिफाइन करता है। क्लासेस, इंटरफेसेस और एरेज हम खुद बना लेते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन प्राइमेटिव डेटा टाइप्स। ये देखो इसकी हायरार्की, जी जी सर, ये नॉन प्राइमेटिव में हम स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं? जी जी, स्ट्रिंग आपके पास नॉन स्ट्रिंग आपके पास नॉन प्राइमेटिव। ये हायरार्की है, ठीक है। अभी कितने बंदे ऑनलाइन है क्लास में? 2? यस सर। ये बाकी क्यों नहीं आते? चलो, प्राइमेटिव और नॉन प्राइमेटिव। प्राइमेटिव स्ट्रिंग आ गया, प्राइमेटिव स्ट्रिंग, क्लासेस, एरेज वगैरह। फिर नॉन प्राइमेटिव आपके पास 2 पर मुश्तमिल है, बुलियन है, न्यूमेरिक है। फिर न्यूमेरिक करेक्टर और इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोट में फ्लोट, डबल इसमें, इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग, ठीक है। ये इसकी एक हायरार्की है। जब आप प्राइमेटिव टाइप्स, ठीक है, प्राइमेटिव टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि आपके पास बेल्ट इन अवेलेबल होते हैं एक लैंग्वेज के अंदर। जिस तरह ये सारे पैरामीटर टाइप्स हैं, इंटीजर है, बाइट है, शॉर्ट है, ठीक है, ये बेल्ट इन अवेलेबल डेटा टाइप्स है एक लैंग्वेज के अंदर, जावा के अंदर। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पैरामीटर टाइप्स। आपके पास कितने पैरामीटर टाइप्स हैं?
आठ सर। आठ बूलियन, जावा के अंदर आठ है, बूलियन है, बाइट है, करेक्टर है, शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग है, फ्लोट है और डबल है। ठीक है, फिर ये देखो, मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप्स आपको तीन चीजों के बारे में बताता है। एक आपको वो ये बताता है कि इसका साइज कितना है, इसका डिफॉल्ट साइज कितना है। दूसरा आपको वो ये बताता है कि इसका रेंज कितना है, किस रेंज में ये आएगा। ठीक है, रेंज है यहाँ पे। ये देखो, -32768 टू +32768, ये शॉर्ट का है, फिर ये इंटीजर का है, लॉन्ग का सबसे बड़ा है। ठीक है, और इट्स वैल्यू रेंज अनलिमिटेड। फ्लोट और डबल और लॉन्ग का आपके पास बहुत लेंथी वैल्यू है या रेंज है। ठीक है, तो आपके पास अगर बहुत लेंथी वैल्यू है तो उसको आप लॉन्ग और फ्लोट और डबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर होता है। ठीक है, अगर आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करते तो वह डिफॉल्ट आपको, अगर बूलियन है तो आपको फॉल्स रिटर्न करता है, अगर करेक्टर है तो आपको ये रिटर्न करता है, ये बाकी सारे जो है ये आपको क्या रिटर्न करता है, जीरो रिटर्न करता है, और ये 0.0F और ये 0.0D डबल, ये आपके पास 0L रिटर्न करता है। ये आप जब प्रैक्टिकली करते हैं तो ये एक दूसरा टेबल है। ठीक है, यही टेबल है, इसको दोबारा रिपीट किया गया है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि सी प्लस प्लस के अंदर जब आप बूलियन डिक्लेयर करते हैं तो आप क्या करते हैं? सर बूल और वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स। बूल इस तरह करते हैं ना, बूल इस तरह करते हैं ना, यस सर। और वेरिएबल वैलेट का नेम और वैलेट जी सपोर्ट करते हैं बी, और फॉल्स या ट्रू, फॉल्स या ट्रू, यस सर। इस तरह करते हैं। लेकिन जावा के अंदर आपने क्या करना होगा, जावा के अंदर सेंटेक्स चेंज है। ठीक है, आपने लिखना होगा इस तरह, बूलियन बी, ठीक है, और उसको आपने जो भी वैल्यू देना है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें फॉल्स होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये बूलियन आप इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, बाइट को आप इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरह आप इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, सिर्फ आप लोग नाम याद रखें, और शॉर्ट को आप इस तरह वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट डेटा टाइप है। ठीक है, ये शॉर्ट है आपके पास, फिर आपके पास इंटीजर है, उसको आप इस तरह वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये रेंज सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, तो वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। लॉन्ग डेटा टाइप है, ठीक है, फिर फ्लोट है। अच्छा, फ्लोट को जब आप डिफाइन करते हैं तो उसके लास्ट में आप इफ लिख दे। ठीक है, अगर आप इफ नहीं लिखते तो फिर आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, फिर डबल है, करेक्टर डेटा टाइप है। ठीक है, करेक्टर CHAR, जिस तरह आप सी प्लस प्लस के अंदर कहते हैं लेटर ए, तो आपने इसको सिंगल कोट्स में बंद करना होगा। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा टाइप्स और ऑब्जेक्ट में फर्क ये है कि ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ पे बनते हैं, ऑब्जेक्ट आपके पास हीप के अंदर बनते हैं, और प्राइमरी डेटा टाइप जो है वो आपके पास स्टैक के अंदर बनते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को आप पासिंग बाय रेफरेंस कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी डेटा टाइप से यानी इंटीजर ए इंटीजर बी, ठीक है, इसको पास बाय रेफरेंस आप नहीं कर सकते, यानी आप इस तरह नहीं कर सकते। सी प्लस प्लस के अंदर आप इस तरह कर सकते थे, लेकिन जावा के अंदर चूंकि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप प्राइमरी डेटा टाइप्स को बाय पासिंग बाय वैल्यू नहीं कर सकते, ये परसेंट साइन आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, कहाँ पे बनते हैं, स्टैक, स्टैक और हीप आपके पास दो इंपॉर्टेंट मेमोरी है या एरियाज है। प्राइमेटिव डेटा टाइप्स आर क्रिएटेड ऑन द स्टैक व्हाइल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड ऑन द हीप। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे बनते हैं और प्राइमरी डेटा टाइप्स कहाँ पे बनते हैं, ठीक है, तो आपने बताना होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास स्टैक्स के अंदर बनते, हीप के अंदर बनते हैं, और प्राइमरी डेटा टाइप्स आपके पास स्टैक के अंदर बनते हैं। ठीक है जी, कीवर्ड्स, व्हाट आर कीवर्ड्स, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है, जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, तो कीवर्ड्स का एक स्पेसिफिक काम होता है। इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास क्लास है, क्लास आपके पास एक कीवर्ड है जिसका काम यह है कि क्लास को डिक्लेयर कर दें। वॉइड आपके पास एक कीवर्ड है जिसका मकसद यह है कि इस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, नल है। फिर यहाँ पे आप जाए, स्टेटिक कीवर्ड है, पब्लिक आपके पास एक कीवर्ड है जिसका मतलब यह है कि ये फंक्शन जो है ये पब्लिकली अवेलेबल है। स्टैटिक का मतलब यह है कि ये फंक्शन आपके पास स्टैटिकली डिक्लेयर हुआ है, और इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो इस फंक्शन को आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। इसको फंक्शन को कॉल करने में आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मेन आपके पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइन करता है कि मेन फंक्शन है। ठीक है,
जैसे मिरर सिस्टम आपके पास एक क्लास का नाम है, ये भी रिजर्व्ड है, तो ये सारे आपके पास क्या है, ये आपके पास रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं सारे आपके पास रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा अभी आप लोगों ने इस तरह करना है कि टास्क आप लोगों का ये है, अभी क्लास का जो टास्क है, ठीक है, टास्क आप लोगों का ये है कि